गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आरोह पुस्तक का पाठ दो मियाँ नसीरुद्दीन पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। सबसे पहले लेखिका के जीवन परिचय को समझ लेते हैं। लेखिका कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1925 ईस्वी में। और इनके जन्म का स्थान था पाकिस्तान के गुजरात में। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्होंने साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 73 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिंदगीनामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, दार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी के अंधेरे, हम, हशमत, शब्दों के आलोक में। तो ये कृष्णा सोबती जी का जीवन परिचय था। अब जो पाठ है हमारे पास मियाँ नसीरुद्दीन, उसकी व्याख्या की और दृष्टि डाल लेते हैं। जो ये चैप्टर है मियाँ नसीरुद्दीन, ये लेखिका की जो किताब है हम, हशमत, उसमें से हमारी पुस्तक में लिया गया है। इसमें एक खानदानी नानबाई है मियाँ नसीरुद्दीन, उनके व्यक्तित्व, रुचियां और स्वभाव के विषय में लेखिका ने बताया है। लेखिका बताती है कि नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वह कई प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर भी रखते हैं। लेखिका ने बताया है कि लेखिका एक बार मटिया महल के गढ़िया मोहल्ले से निकल रही थी, यानी गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र एक मामूली सी दुकान की ओर गई, जहां कुछ अंधेरा सा था और उस दुकान पर बहुत सारा आटा मांढ़ा जा रहा था। यह देखकर लेखिका के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इस दुकान पर इतना सारा आटा क्यों मांढ़ा जा रहा है। यह बात पूछने के लिए लेखिका उस दुकान में चली गई। लेखिका ने जब वहां पूछा कि यह दुकान किसकी है, तो पता लगा कि यह दुकान मियाँ नसीरुद्दीन की है, जो खानदानी नानबाई हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। खानदानी नानबाई का मतलब क्या हुआ कि इनके जो पूर्वज हैं वो भी नानबाई का कार्य करते चले आ रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि नानबाई क्या है। नानबाई यानी खाना बनाने वाले, क्लियर। तो पता लगा कि यह किसकी दुकान है, मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है और यह खानदानी नानबाई है, अर्थात इनके पूर्वज भी खाना बनाने का कार्य करते आ रहे थे। जब लेखिका ने दुकान में अंदर देखा तो देखा मियाँ नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे हैं और बीड़ी पी रहे हैं। उनके चेहरे पर अनुभव साफ झलक रहा था, अर्थात उन्हें देखकर लगता था कि वाकई उन्हें काफ़ी कुछ बनाना आ जाता है। उनकी आंखों में चुस्ती थी, यानी बुजुर्ग होने के बाद भी उनकी आंखों में एक चुस्ती थी, आलस्य नहीं था। माथे पर कारीगर के तेवर थे और माथा देखकर उनकी पेशानी यानी माथा देखकर साफ प्रतीत होता था कि यह हुनरमंद कारीगर हैं, अर्थात अनुभव की लकीरें उनके माथे पर थीं। पता चला कि मियाँ 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं, 56 यानी 56 प्रकार की रोटियां बनाने जानते हैं। लेखिका ने उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने लेखिका पर व्यंग्य किया। किसने? मियाँ नसीरुद्दीन ने, यानी उसका मजाक उड़ाया। जैसे लेखिका ने उनसे प्रश्न पूछा तो उसने कहा, क्या तुम अखबार वाली हो?
अर्थात उसने सोचा ये अखबार से आई है और मेरा कोई इंटरव्यू वगैरह लेना चाहती है, क्योंकि जो नसरुद्दीन हैं वो अखबार वालों को अच्छा नहीं मानते। उनका मानना है अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों ही निठल्ले होते हैं, अर्थात उनके पास कोई और काम नहीं होता है। लेखिका ने बताया कि वह अखबार से संबंधित नहीं है। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहां से सीखा। तो लेखिका ने पहला प्रश्न पूछा नसरुद्दीन से कि आपने ये 56 प्रकार की रोटियां बनानी कहां से सीखी। मियां नसरुद्दीन ने बड़ी बेपरवाही से उसको जवाब दिया, यानी लापरवाही के साथ, कि अरे मैडम ये तो हमारा खानदानी पेशा है, अर्थात ये हमारा खानदानी पेशा चला आ रहा है, हमारे पूर्वज भी यही काम करते थे। मेरे वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे। उन्होंने बताया कि मेरे जो वालिद यानी मेरे जो पिता थे जिनका नाम बरकत शाही था, वो भी नानबाई थे, अर्थात वो भी खाना बनाने का काम करते थे, और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। और मियाँ नसरुद्दीन ने बताया जो उनके दादा कल्लन थे उनका भी काम यही था, अर्थात वह भी बहुत प्रसिद्ध नानबाई थे, अर्थात हम खानदानी नानबाई हैं। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है। लेखिका ने जब उनसे प्रश्न किया ना कि आपने यह काम कैसे सीखा, तो उन्होंने बताया कि मैंने यह काम अपने पिता से सीखा। फिर उन्होंने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा है, ऐसे ही नहीं सीख लिया, किसी भी कार्य को सीखने के लिए मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू करके आगे बढ़ता है, या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम पहले किए, जैसे बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आँच देना आदि, तब कहीं जाकर हमें खाना बनाने की तालीम देनी शुरू की गई। तो उन्होंने कैसे समझाया मेहनत को, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार बच्चा पहले अलिफ शुरू करता है, अरबी फारसी जब सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, तो सबसे पहला वर्ड अलिफ होता है। जैसे हम लोग जब हिंदी सीखना शुरू करते हैं तो पहला वर्ड क्या आता है, ऐसे अनार, ऐसे आम, या कैसे कबूतर, कैसे खरगोश, ठीक है ना। इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले ए फॉर एप्पल यानी ए जो है, फिर हम बी सीखते हैं, फिर सी सीखते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि इसी तरीके से पहले एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। जैसे बच्चे को पहले कक्षा एक में भेजा जाता है, फिर कक्षा दो में, फिर तीन में, फिर चार में, फिर बच्चा धीरे धीरे बड़ी क्लासों तक जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ही हमें सबसे पहले हमारे जो दादा थे, हमारे जो पिता थे, उन्होंने कहा बर्तन धो, हम बर्तन धोते रहे, फिर कहा भट्टी बनाना सिखाया उन्होंने, फिर भट्टी में आँच देनी सिखाई, तब कहीं जाकर बहुत सालों बाद हमें खाना बनाने का हुनर उन्होंने सिखाना प्रारंभ किया। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं, अर्थात जब भी मियाँ अपने खानदान की बात करते हैं तो उनका सीना गर्व से फूल उठता है। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से ना पके। एक बार वो कहते हैं कि एक बादशाह ने उनके पूर्वजों से कहा, जो बादशाह क्या खाना बनाने का काम करते थे, कि कोई ऐसी चीज़ बना के खिलाओ जिसको बनाने में आग का प्रयोग ना हो और ना पानी का प्रयोग हो। तो लेखिका ने बड़े उससे उत्सुकता से पूछा, क्या फिर आपके बुजुर्ग ने वो खाना बनाया। तो वो एकदम से चहक कर बोले, बिल्कुल बनाया और बादशाह साहब को भी खूब पसंद आया। तो लेखिका ने पूछा कि उसका नाम क्या है उस खाने का और कैसे बनता है। तो मियाँ ने बात टाल दी, इधर उधर घुमा दी, क्योंकि शायद वास्तव में वह भी नहीं जानते थे कि ऐसी कोई चीज़ बन सकती है। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है, और वो अपने खानदान की बड़ाई करते हुए उदाहरण देते हैं कि जो खानदानी नानबाई होते हैं, अगर उन्हें कुएं में, पानी से भरे हुए कुएं में भी कहा जाए रोटी बनाने के लिए, तो वो वहाँ भी रोटी बना लेते हैं। तो लेखिका ने कहा कि क्या आप बना सकते हैं, ऐसा क्या संभव है कि कुएं में कोई पानी में कोई जाकर रोटी बना ले, कि आग कैसे लगाएंगे। तो वह फिर भड़क गए, गुस्सा हो गए। लेखिका मियाँ से जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे, लेकिन मियाँ बादशाह का नाम ही नहीं बता रहे थे, बार बार बात टाल देते थे। लेखिका जितनी बार बादशाह का नाम पूछती वो उतनी बार टाल मटोल करते, और अंत में जब उन्हें गुस्सा आ गया तो उन्होंने कहा, आपको क्या बादशाह को चिट्ठी पत्री लिखनी है जो तुम मुझसे उसका नाम और पता पूछ रही हो।
फिर उनका गुस्सा अपने नौकर बब्बन मियाँ पर उतरने लगा और वो गरज कर बब्बन मियाँ से बोले कि चल जल्दी से भट्टी सुलगा ले। इस प्रकार वह लेखिका से पीछा छुड़ाना चाहते थे। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। उसने बताया कि बब्बन मियाँ को वो मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्म जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। ठीक है ना, लेखिका ने बताया जो आप 56 प्रकार की रोटी बनाते हो वो कौन कौन सी हैं, तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए और फिर बताया कि जो तुनकी रोटी होती है ना वो पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। और बात करते करते वे अपनी पुरानी यादों में खो गए, पुरानी बातें याद करने लगे और कहने लगे अब तो समय बदल चुका है, अब ना तो खाना बनाने वाले रहे और ना ही पहले की तरह खाना खाने वाले रहे। अब लोग खाने की कदर नहीं करते हैं, अब तो लोग जल्दबाजी में तंदूर की मोटी मोटी रोटी खाते हैं और निकल जाते हैं क्योंकि हर व्यक्ति जल्दी में है। तो ये था बेटा हमारा लेसन 2 मियाँ नसीरुद्दीन, जिसकी व्याख्या मैंने आप लोग को की। अगला चैप्टर अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।